अगर मेरी फिल्म देख करके, हमारी फिल्म देख करके एक बंदा सिर्फ एक पेड़ भी लगा देता है ना कड़वी हवा के नाम पर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Hello guys, welcome to the short talk of Bollywood Bubble, and today we're going to talk about a movie that shows a real impact on climate change. It addresses the problem and talks about the solution, and we're talking about Kadvi Hawa. Aaj hum baat karne wale hain Sanjai Mishra se aur Nila ji se. Hello sir, welcome to Bollywood Bubble. Aaj main aapse kuch questions puchne wali hoon aur is game ko, is short talk ko hum bahut zyada mazedar banayenge. चलिए सर, सर पहला क्वेश्चन, इस फिल्म में क्लाइमेट चेंज के अलावा और भी कई ज़रूरी मुद्दों का जिक्र किया गया है, और जैसे कि देश में किसान की हालत, यहाँ पे कैपिटलिज्म के साइड इफ़ेक्ट्स, और कैसे हमें एनवायरनमेंट को आने वाली पीढ़ी के लिए कंजर्व करना चाहिए। किस टाइप का और कितने रिसर्च लगा है इस फिल्म को लिखने के लिए? ये देखा जाए तो बचपन से रिसर्च हुआ है, क्योंकि फिल्म में जो भी देखते हैं, जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में आया है जी, बचपन से अभी तक मैं जितने साल का भी हूँ, इतने साल में जो बदलाव आया है वो बदलाव के ऊपर फिल्म है। जहाँ तक आप डेमोग्राफी के नंबर्स की रिसर्च बोलेंगे, डेफिनेटली लास्ट 10 साल से, आप मेरे जैसे 2006 में पहली डॉक्यूमेंट्री बनी थी क्लाइमेट चेंज में, उसके बाद काफ़ी काम किया था, पर 2 साल का इंटेंसिव रिसर्च रहा, बिकॉज ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो ऐसे कैरेक्टर लाया गया जो कैरेक्टर हम सबको रिफ्लेक्ट करेगी जी, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट अभी तक हुई नहीं है। वो है फार्मर। आप तो फैक्ट्री नहीं बनाया अभी तक दाल चावल सब्जी बनाने के लिए जी, ये फार्मर ही दे सकता जी। आज उसी की स्थिति खराब है, उसी की स्थिति खराब मतलब हम सब की, और ये सब किसकी इम्पैक्ट है? हवा की। तो बात ये है कि हवा कड़वी हो चुकी है, हवा बिटर विंड, सो उस हवा जो बीमार हो चुकी है, अभी जब पता चलता है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति है, तब आपको रिफ्लेक्शन होती है कि अरे ये ऐसा हो गया, बट क्लाइमेट चेंज हम सबको इफेक्ट करने लगा है। और संजय जी, अगर आप क्या चाहते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन हो जब वो थिएटर हॉल से बाहर निकले ये मूवी देख के 24 नवंबर को? सबसे पहले तो थिएटर में इसलिए जाएं कि हमारे दोस्त नीला माधव पांडा ने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है, वर्ल्ड में कहीं क्लाइमेट चेंज पर अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी, तो हमें बहुत गर्व के साथ हर भारतीय को हॉल में जाना चाहिए कि ये भारतीय फिल्म है जो हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखिए सर, क्लाइमेट चेंज पर सारे बहस अमेरिका वगैरह सब किनारे हटिए, हमारे हिंदुस्तान की तरफ से एक सौगात है पूरी दुनिया को, इसलिए जाए। और दूसरी चीज़, मेरी पिक्चर जब देख के लोग निकले तो अपने आसपास ढूंढें कि वाकई में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर मेरी फिल्म देख करके, हमारी फिल्म देख करके एक बंदा सिर्फ एक पेड़ भी लगा देता है ना कड़वी हवा के नाम पर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हम सब के लिए होगा। कि और एक बाय चांस ये अच्छी बात नहीं है कि कड़वी हवा रिलीज होने वाली है और दिल्ली का मौसम दिखा रहा है कि बॉस नॉक कर रहा है, हेलो जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, अब भूल जाओ रोजी रोटी, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है कि हमने अभी तक दाल चावल गेहूं आटा बाजरा ये सब्जी तरकारी बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाई, अभी उसमें आने में टाइम है, गैस मास्क आ चुका है, लेकिन जाग जाओ। किसान टोटल कुदरत पे डिपेंड है और हम डिपेंड हैं किसान पे, वो कुछ नहीं पैदा करेगा हम कुछ नहीं खा पाएंगे, हम बढ़ रहे हैं, कम से कम आने वाले कल के लिए तो सोचो, अपना जैसा हाल है उससे बुरे हाल में बच्चे नहीं रहे, मतलब इतने ही कर दो कि हम जिस हाल में उस हाल में भी हमारे बच्चे रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग बाहर निकल के कुछ अच्छा क्लाइमेट के लिए करेंगे, और करना चाहिए, आप अपने लिए करिएगा, क्लाइमेट के लिए करिएगा तो कोई ये दान नहीं है, आप अपने लिए करिएगा जी। नीला जी, आपकी जो पहली मूवी थी आई एम कलाम, इतनी फेमस, इतनी अप्रिसिएशन मिली, और आप इस मूवी के लिए 8-9 साल से काम करें नितिन दीक्षित के साथ, आपको ऐसा किस चीज़ ने पकड़ के रखा कि आप इस स्क्रिप्ट पे दबे रहे और आपको चाहते थे कि आप ये मूवी बनाएं आगे? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, मैं जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ एंड हर साल ये होता है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है 13 साल का, लास्ट 3 साल से स्कूल छुट्टी हो जाती है, क्यों? पोल्यूशन हो रही है। देखिए बेसिकली ये फिल्म बनाने में सबसे डिफिकल्टी बात यह है कि आप एक हवा की कहानी कैसे बनाएंगे जी,
क्योंकि वही हवा जो आपको सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ लाती है। दूसरी बात है कि जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते ही बोलेंगे अरे बाढ़, साइक्लोन, ड्राउट, ये सब। और हमारे पास ऐसा नहीं कि 100 करोड़ है और वो सब चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन वो 100 करोड़ की वैल्यू उस क्लिप में लाना थे। और जैसे भी आपने बोला कि दिल्ली में जो अभी हाल चल रहा है स्मॉग का, वहाँ पे तो वैसे भी हेल्थ इमरजेंसी शुरू कर दी गई है, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, बहुत बुरा हाल है। तो दिस मूवी इज गोना बी रियली बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। वही दिल्ली जो जमुना किनारे होता जी था, जी जहाँ लाल किला होते जी थे। अब तो मैं कह रहा हूँ तुगलक ने दिल्ली कई बार अपनी राजधानी चेंज की थी, आप दिल्ली चेंज कीजिए, नहीं तो अपने आप को चेंज कीजिए या तो फिर दिल्ली को ही चेंज कर। जी बिल्कुल सही। एंड आपको कैसा लग रहा है संजय जी, आप इस मूवी के पार्ट हैं, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपके दिमाग में पहले कैसा आया था जब उन्होंने आपको मूवी ऑफर की? लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली एक्टर हूँ कि इस तरह की फिल्म के लिए मुझे सर ने चुना। और जब इन्होंने मुझे सुनाया था तो मैं बिल्कुल स्वार्थी की तरह बोलता हूँ, अरे यार अंधे की फिल्म हो, बहुत घिसा पिटा और बहुत ही क्लीशे, शराबी, पागल, अंधा, बच्चा, ये सब रोल में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग होती है। इन्होंने दो फिल्म भी मुझे ऑफर की कि आप ये फिल्म भी देखिए, मैंने इनको झूठ बोल दिया। आज पहली बार मैं ये इनके सामने, महाराज जी माफ करना सर, ऐसा ये फिल्म जो बेस्ड है ट्रू स्टोरीज पर है, बुंदेलखंड और वैनिशिंग विलेजेस जो आजकल कोस्टल उड़ीसा में हो रहा है एंड चंबल रीजन ऑफ धौलपुर इन राजस्थान। Was this film shot in the real locations, true locations? The film is shot in completely true locations, true villages. There is no settings here. और ये फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा मनीष मुंद्रा के साथ? I think Manish is, I must say, he is the new age hero for us because एक ऐसा इंसान है जो एक फिल्म को मूवमेंट की तरह लेके जा रहे हैं और वो जो विजन है उनके दृश्यम, I think he is going to strengthen Indian cinema in a big way. Anybody would love to work with him. दोस्तों ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं, I don't know आपको नाम पता हो नहीं हो इसका, इस पत्ते का पेड़ का नाम होता है सदाबहार बोलते हैं इसको, और ये बहुत ऐसी जाति का पत्ता है, पेड़ है, कहीं भी लग जाता है आराम से, आप अपने हर चारों तरफ इसमें फूल, इसकी पत्तियाँ डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सर ये बॉलीवुड बबल का इनिशिएटिव है और हम इसका ख्याल रखेंगे हमेशा। तो करेक्ट जगह इंटरव्यू दिया हमने जी, और आप भी लगाइए पेड़ मैडम, आप अपने हाथ से लगाइए। नहीं सर आप आइए, अरे हमारा साइन हो गया, आप लगाइए, पकड़ो जी, आप भी इसको। ये सदाबहार बोलते हैं इसको, देखा हो Bollywood Bubble, it's a great initiative. Yes, thank you. आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ और हम दोनों मिलकर देख रहे हैं Bollywood Bubble. हमारी फिल्म 24 नवंबर को रिलीज है, आप भी देखिए और Bollywood Bubble को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Bollywood Bubble, क्यों बढ़ना साहब।